जाप का एक फल बड़ा हो, एक फल बड़ा होता है उसका। कभी अगर मौका लगे ना आप लोगों के जीवन में, और आपका हम तो नवयुवक बेटा बेटी से कहेंगे, तुम कंपटीशन एग्जाम में बैठने जा रहे हो, परीक्षा देने जा रहे हो, तुम कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो, कोई सरकारी नौकरी की तैयारी करने जा रहे हो, एक बात अपने भीतर उतार कर रखो, कभी कभी जिंदगी में अगर तुमको अच्छा लगे, तुमको अच्छा लगे तो प्रयास कर देखना, पूरी मेहनत करो, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी मेहनत करो, दिल से पढ़ो, दिल से मेहनत करो, रात दिन एक कर दो, और जब एग्जाम देने के लिए जाओ, जब तुम कंपटीशन एग्जाम के लिए, इंटरव्यू के लिए जाओ, जब तुम सोचो कि मेरी जॉब मुझे चाहिए और मेरा बाबा मुझे देगा, मैंने मेहनत करी है, पूरा कर्म करा है, मैंने पूरा दम लगाया है, तो मेरा बाबा मुझे नौकरी देगा, तो ये निश्चित है वो देगा। उसके लिए बस एक कर्म आखिरी में कर जाना, जो अशुभ सुंदरी का स्थान। फिर ध्यान देंगे, ये शिवलिंग ध्यान से देखेंगे आप लोग, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी, और शिवलिंग, शिवलिंग के मध्य में जो जलाधारी, और जलाधारी के सामने से एक स्थान गया हुआ है जहां गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, और बीच में अशोक सुंदरी का स्थान। जो ये जलाधारी है, इस जलाधारी पर लाल चंदन की 7 बिंदी, कितनी बिंदी लगाना है आपको, 7, लाल चंदन की जलाधारी पर 7 बिंदी। अशोक सुंदरी का जो स्थान है वहां पर केवल पीले चंदन की 5 बिंदी, कितनी लगाना है, 5 बिंदी, और 5 बेलपत्र, केवल 5 बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग पर, परंतु उसके चढ़ाने का तरीका 5 बेलपत्र का अलग रहेगा। थोड़ा ध्यान देंगे, 5 बेलपत्र जो आप चढ़ा रहे हैं, उसकी डंडी का जो मुख है वो आप 5 स्थान पर पशुपति भगवान का स्मरण कर डंडी का जो मुख है वो 5 स्थान पर अलग अलग स्थान होना चाहिए। आप थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, 5 स्थान पर डंडी का जो मुख है वो 5 स्थान पर अलग अलग होना चाहिए, और 5 स्थान पर अलग अलग होकर बाबा को स्पर्श कर अपने दिल की बात कर जब आप पूरी मेहनत कर लें, पूरी पढ़ाई कर लें, तब तुम आखिरी में भगवान की शरणागति में जाकर कहना, बाबा ये मेरा विश्वास कहता है कि तू मुझे इस एग्जाम में निकालेगा और मुझे नौकरी देगा, तब ये चढ़ाकर बाबा से विनती कर फिर अपने गंतव्य पर जाना, बाबा उसको स्वीकार कर तुझे फल देगा। ये 5 बेलपत्र जो आप चढ़ा रहे हैं, अलग अलग स्थान पर नियुक्त कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि हमारी सारी राहों को खोल देना। अब जैसे बहुत आप लोग जरा ध्यान दें तो आपके स्मरण में रहेगा कि अगर मान लो एक पत्र है, उस पत्र से अपन समझेंगे,